मंदिर में दर्शन करने के लिए आए युवक ने चमड़े का बेल्ट, पर्स और मोबाइल बाहर रख दिया। इसी बीच वहां खड़े युवक ने मोबाइल और पर्स पार कर दिया। इसकी जानकारी होने पर युवक से मोबाइल और पर्स मांगा तो उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सरकंडा के जोरापारा में रहने वाले शिव श्रीवास कारपेंटर हैं। मंगलवार की रात 9 बजे वे मोहल्ले के गणेश मंदिर में पूजा करने गए थे। इस दौरान उन्होंने चमड़े का बेल्ट, पर्स और मोबाइल मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया। इसके बाद वे मंदिर में पूजा के लिए चले गए। पूजा के बाद जब वे बाहर आए तो पर्स और मोबाइल वहां नहीं था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मोहल्ले में रहने वाले प्रदीप यादव ने उनका मोबाइल और पर्स उठाया था। इस पर उन्होंने युवक से अपने सामान वापस मांगे। युवक ने सामान नहीं लेने की बात कही। इस पर कारपेंटर ने दूसरे के मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल लगाया। इस पर प्रदीप की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। वहीं पर्स नहीं लेने की बात कही। बाद में उसने अपने साथियों के सामने पर्स लाकर वापस किया। इस दौरान पर्स में रखे 1700 रुपए, ATM कार्ड और अन्य सामान नहीं थे। इसकी मांग करने पर युवक ने कारपेंटर की पिटाई कर दी। मारपीट से आहत युवक ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने चोरी और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।